हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ दो लाइन लेकर कि अपने आप पर और आप जो कुछ भी हैं उस पर विश्वास करें और जान लें कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। तो आज का दिन बहुत बहुत शुभ मंगलकारी हो। आइए आगे मिलते हैं। चलिए, तो आ गई हूँ अपने किचन में, वही इम्पोर्टेंट जगह, पेट पूजा वाली जगह। आओ बनाओ खाओ। बस ये मेरा ओट्स है, ओट्स को डाल के तक ये खाती हूँ और शुरुआत करती हूँ दूसरी चीज को। आप लोग भी खाते हैं। आज ना आप सबको सहजन पोस्तों की सब्जी दिखाऊंगी। सहजन आलू और ये है पोस्ता, जिसको फुला कर रखे थे रात भर पानी में, इसमें पीस लेंगे। और इसमें देंगे लहसुन दो तीन जवा, हरा मिर्ची, बस ये डालकर पीस लेंगे, थोड़ा पानी डालकर। ये देखिए पिस गया है। रात भर अगर फुला के रखेंगे तो बहुत अच्छा पिस जाता है। इसी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो ये देखिए धो धा के इस तरह आलू काट लिए और ये सहजन, थोड़ा सा प्याज, शिमला, कोस्ता, ये सरसों का, खा के तब बनाए ना। ये तो गरम कर दो, तो चाय हो चुकी ना। बंद कर, तेल बंद कर दो, तेल बंद कर। अच्छा इधर ही चाय निकाल लो, तो उसको बंद कर। हाँ हाँ, दोस्तों सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो मेरा नाश्ता है आज वही पूरी है, मतलब प्रसाद ही है। ये मेरे मैके से आई हुई है, शीतला अष्टमी का प्रसाद था जो कल मैंने आप लोगों को कहा कि खा रही हूँ ब्लॉग में। ये पुआ, उसके संग पूरी थी, पूरी नहीं खा पाई थी, वो आज खा रही हूँ। तो ये प्रसाद है पुआ, लीजिए आप लोग भी खाइए इसको और शीतला जी, शीतला माता सब पर कृपा बरसाएं अपनी। तो ये पूजा बहुत जगह कहाँ कहाँ होती है ये तो नहीं पता, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यूपी बिहार में तो होती ही होती है, क्योंकि ये गर्मी की शुरुआत होती है और इसीलिए माँ शीतला को पूजा जाता है कि वो ठंडक शरीर में सबके ठंडक बनाए रखें, प्रदान करें और किसी प्रकार की बीमारी गर्मी से उत्पन्न ना होने पाए। तो यही सब है, आराधना है भगवान की, तो सभी लोग करते हैं, मेरी माँ करती थी, तो पूरे घर में होता है उसी तरीके से। तो लीजिए, मिल लीजिए गुड मॉर्निंग जी से। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक से रहिए सब कोई, गर्मी तो चालू हो गई है। तो ये है हमारी चाय, कड़ी हो जाती है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लो ना तो ये पंखे की हवा ना कड़ा कर देता है सब। तो लीजिए पूड़ी भी खाइए आप लोग, प्रसाद ही है ये भी।
तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा। और जो लोग भी मेरे ब्लॉग पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करने पर ऑल का ऑप्शन आता है, उस पर भी क्लिक कर लें तो मेरे सारे वीडियोस आपके मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और पूरा पूरा मेरा वीडियो पूरा पूरा वॉच करें, आगे बढ़ा के ना देखें, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोग की। और आप लोग के ही देखने से ही, आप लोग के ही प्रोत्साहन से ही कुछ भी आगे बढ़ेगा, आप लोग ही मेरे सब कुछ हैं। तो अभी के लिए बाय बाय नहीं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि अभी मैं आप लोगों को सहजन की सब्जी, पोस्ता सहजन की सब्जी बनाकर दिखाऊंगी, तो उसको भी ऐड करूंगी, अभी नाश्ता करके बनाऊंगी तो दिखाती हूँ, तो फिर उसके बाद बाय बाय होगा। तिल डाल दी हूँ और इसमें मंगरेल, काला जीरा तड़का दूंगी। तो ये हो गया है गरम, अब इसमें लाल सूखा मिर्चा का तड़का दे के थोड़ा सा प्याज नहीं देंगे तब भी चलेगा, और उसी के साथ ये सारी चीजें आलू, इसको थोड़ा देर 5 मिनट भूजेंगे। तो सहजन दोस्तों, पता है आप सभी को पता होगा कि बेहद ज़्यादा शरीर के लिए फायदेमंद होता है, और गर्मी में आपके पेट को आराम देता है, और सहजन बहुत मात्रा में खाना चाहिए अच्छे से। तो जितना भी सहजन मिले खाते रहिए, इसकी फूल की सब्जी भी बहुत बढ़िया बनती है, आलू टमाटर और फूल डाल के बहुत अच्छी बनती है, लेकिन यहाँ पर कहीं बाज़ार में मिलता नहीं है फूल, और पेड़ों से तोड़ पाना तो बस गांव में ही संभव है। तो हमारे घर में पहले पेड़ लगा था मेरे मायके में, तो हम लोग फूल की सब्जी मेरी अम्मा बहुत बना के हम लोग को खिलाई है, और बहुत अच्छा लगता था, रात में अक्सर रोटी से ये बनता था फूल की सब्जी। तो जैसे इस मौसम में आप तो नीम की छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हैं, तो उनको भूज करके हल्का सा फिर खा लीजिए, सहजन खाइए, चौलाई खाइए, तो ये सब है, भगवान हर मौसम की चीज़ें दिए हैं हम लोगों को खाने के लिए। और क्या बकबक करें, देखिए बात करते करते ये भूज भी गया, बहुत नहीं भूजना है, हल्का सा भूजना है। अब ये जो है हम पीस के रखे हैं पोस्ता और लहसुन और मिर्चा का पेस्ट, ये इसमें डाल देंगे। तो इसको भूजेंगे, ये अभी थोड़ा भुजाएगा, देखिए करीब करीब भूज गया है, देखिए भूज रहा है ना, चलाएंगे नहीं ना तो फटाफट चिपकने लगता है। और आप लोग को दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना, तो ये जब ऐसे ऐसे भूज जाएगा, पानी देखिए इसका एकदम सूख गया, सुगंध आने लगा इसमें। तो अब इसमें नमक डालेंगे आप अपने स्वादानुसार। ये इन सब सब्जियों में जो मेरी बंगाली डिश है, थोड़ा चीनी जाता ही जाता है, आधा चम्मच के करीब, बहुत छोटा चम्मच है, आप लोगों को कैमरा में बड़ा दिख रहा होगा लेकिन है बहुत छोटा सा, तो आधा चम्मच के करीब इसमें डालेंगे, जो आप क्वांटिटी से आप बना रही हैं उस हिसाब से डालना होगा। देखिए इतना छोटा सा चम्मच है चीनी के डिब्बे में, क्योंकि ये मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया है, तो वो थोड़ा बंगाल का भोजन में थोड़ा शुगर जाता ही जाता है, तो और गुजरात में ये सब में जाता ही है थोड़ा। तो अब थोड़ा पानी डाल देंगे, आलू और सहजन डालने लगे, हल्दी धनिया कोई और चीज़ इसमें नहीं जाती, आलू और सहजन इसमें पकेगा, फिर तो पक जाएगा तो आप लोग को दिखाती हूँ।
आलू पक गया है, सहजन भी पक गया है, अब इसको तेज आंच करके गाढ़ा कर लेंगे। बीट हो गया, अब इसको बंद कर देंगे गैस, क्योंकि ये आलू फिर सारा रस सोख लेगा। ये जितना रस दिख रहा है ना अभी आपको, ये सारा आधा घंटा रखा रहेगा तो सोख लेगा, इसलिए और ज़्यादा सूखा ना करें। तो सब्जी बनके कंप्लीट हो गई है। तो सब्जी उब्जी बनाकर थक गई थोड़ा, और अब थक जाती हूँ, बहुत काम नहीं कर पाती। तो दोस्तों क्या बताऊँ, मेरी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी है। आप लोग तो नहीं जानते होंगे, देखते होंगे शकल से तो सब कुछ ठीक दिखता होगा, लेकिन मैं पैर में बहुत तकलीफ झेल रही हूँ, तो उसके कारण जल्दी ही थक जाती हूँ कोई काम करने में। और इसीलिए मेरे पति देव जी मेरा साथ देते हैं काम करने में, क्योंकि अगर वो साथ नहीं देंगे तो मेरी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वो साथ देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके ही हम काम कर पाते हैं, क्योंकि अकेले तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। सभी सोचते होंगे कि देखते होंगे तो सोचते होंगे इनके पति तो बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो सभी लोग सोचने लगेगा कि मुझे भी ऐसा ही करवाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी कुछ बरसों पहले तक ऐसी नहीं थी कि मैं पति से काम लूँ, वो अपने ऑफिस को देखते थे करते थे, बट अभी इस स्थिति में हूँ कि मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, जो मैं आप लोगों के सामने कभी प्रस्तुत नहीं की हूँ और ना ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दुख नहीं बांटने के लिए नहीं आती हूँ इस ब्लॉग में, कि मैं अपने दुख से सिंपैथी गेन करूँ, नहीं, उसके लिए नहीं, कि मैं वायरल हो जाऊँ अपने दुख को सबके सामने प्रकट करके, नहीं। दुख तो सिर्फ मेरे लिए है, वो मेरे पास रहेगा, और जो भी कुछ दो पल की भी खुशियाँ होती हैं कोशिश करती हूँ, चाहे वो खाना बनाकर दिखाना, चाहे वो ब्रेकफास्ट दिखाना, या अपने बच्चों के साथ खुशी दिखलाना, ये जो कुछ भी है, जो भी मेरे दो पल की खुशियाँ हैं मेरे जीवन में, मैं वही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ और वही दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि देखती हूँ मैं ब्लॉग पे कि बहुत लोग बहुत 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 अपने दुख को दिखलाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, दिखलाना भी चाहिए, मजबूर भी हो जाते होंगे कुछ चीज़ों में तो लोग, लेकिन आप सब आते हो इस पर तो कुछ देर खुशी लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए आते हो, क्योंकि दुख तो सबके पास है, ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास दुख नहीं है, बस अलग अलग तरीके से दुख है, दुख तो सबके पास है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, कुछ भी हो, दुख सबके पास है। हाँ, किसी का बहुत बड़ा होता है जो सहने लायक नहीं होता, तो कुछ ऐसी स्थिति से मैं भी गुजर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं भगवान से, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने दिखती रहूँ। ऐसे ही खुशी भरे चेहरे से आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप लोग के सामने आऊं, बस यही कोशिश करती हूँ, जब तक दिख रही हूँ ऐसा ही करती रहूंगी। हो सकता है एक दिन मैं ना भी दिखूँ ऐसे, तो आप लोग समझ जाइएगा फिर। तो थक गई थी तो ये पीने लगी, थोड़ा एनर्जी मिल जाए। तो आज ऐसे बैठ गई तो थोड़ा सा बात आप लोगों से इमोशनली बात कर ली हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग तो मेरे अपने हो गए हैं, जितने भी हैं जो हैं, हमको रोज़ ऐसा लगता है कि जब मैं देखती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे जुड़ गए हैं, 400 से ऊपर हो चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मेरा परिवार बन चुका है, जो भी सब्सक्राइबर हैं वो मेरे परिवार बन चुके हैं, क्योंकि 400-500 जो लोग भी मेरे पास जुड़े हैं, हमको देख रहे हैं, ये कम बात नहीं है। तो मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं खुशी ही बांटती रहूँ आप लोगों से, और यही प्रार्थना आप लोग कीजिएगा।
मेरे पति देव जी भी उतने स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन अब हम दोनों एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं कैसे भी। तो बस आज के लिए और इस नारियल के साथ आज के लिए, अभी के लिए बाय 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 बाय। जय श्री राम।